अस्सलाम वालेकुम मीटू फ्रेंड, सरताज जावेद के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जाती हूँ, देखो चुके की भाजी की दाल है ये। कैसे बनाना की पूरी वीडियो स्किप करने से रखा वॉच करो। मैं कैसे बनाऊँ कि आप लोगों को मालूम होता। लुक्वाइज भी अच्छी थी, टेस्ट भी अच्छी थी, देखो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पर देखो एक कप दाल लूँ, अच्छे से वॉश करके रख लूँ। अब दाल में आको है नहीं कि टमाटर ऐड करती हूँ, देखो अच्छे से चॉप करके रख लूँ। चुके की भाजी भी देखो अच्छे से वॉश करके रख लूँ। अब चुके की भाजी भी ऐड करती हूँ। पहले टमाटर दाने हूँ, हाँ से चुके की भाजी दाने हूँ। अब इसमें आको हल्दी एक आधा चम्मच हो, जीरा एक आधा चम्मच हो, मेथी एक आधा चम्मच हो, मसाला एक डेढ़ चम्मच हो, दाल को एक कप दाल को दो गिलास पानी डाल लें। देखो डालने को सब अच्छे से मिक्स कर, दाल को कुकर का कैप लगा डालना। लगा दाल को एक तीन विजिल आए तक वेट करना। देखो कैप लगा दाने एक तीन विजिल आना। तीन विजिल आने के बाद फ्लेम पूरा जाने के बाद कुकर ओपन करके आप लोगों को बताती हूँ। देखो बराबर पानी बराबर होगा, दाल भी अच्छी गल गई है। अब इसमें आको है कि नमक ऐड कर लेना, एक चम्मच नमक डाल लें। देखो डाल ले को दाल घुटने ले को अच्छे से घोट लेना, जैसे अच्छे से घोट लेना। देखो दाल घुटने से अच्छे से घोट ले को बस है इतना। अब यहाँ पे बघार को रख लेती हूँ, देखो कढ़ाई रख लो। अब ये कढ़ाई में आपको है नहीं कि ऑयल ऐड करती हूँ। देखो दो चम्मच ऑयल डाल लूँ। ऑयल में आपको प्याज ऐड करती हूँ। देखो ये लहसुन अच्छे से स्मैश करके रख लेना, लहसुन भी एक दो। ये सूखे मिर्चें, करेपाकू, ज़रा जीरा, ज़रा राया डाल लेको सब अच्छे से ऑयल में मिक्स कर लेना। हीट होने के बाद ये दाल को सूखे मिर्चें की दहमे के मिर्चें की डालना, इसलिए मैं सूखे मिर्चें डाल लूँ। देखो अच्छे से बघार रेडी हो गया, सब अच्छे से मिक्स करती हूँ। एक का तो ऐसा स्मैश करके डालने से लहसुन दाल में अच्छी स्मेल आती है, सो अच्छे से मिक्स कर डालती हूँ। अब बघार अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आना आगा। देखो अब यहाँ पे दाल में ही निकी एक सर्विंग बोल में काट को रख लूँ। अब ये बघार उसमें ऐड कर देना, बघार में हंदे दाल डाल ले जाओ, दाल में हंदे बघार डाले जाओ। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना बोल को दाल सेपरेट से काट को रख लेको, उसमें बघार ऐड करती हूँ। यहाँ पे हमारी चुके की भाजी की दाल बनकर रेडी हो गई। देखो एक सर्विंग बोल में काट को आप लोगों को बताती हूँ। ये रेसिपी आप सभी लोगों को पसंद आती बोल को उम्मीद करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हो सके तो आप लोग भी ट्राई करो, आपके फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को सबको भी शेयर कर लो। अगली रेसिपी के साथ आप लोगों के सामने आता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, दुआ में याद रखो।